ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृति धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्न परिपालय देव विश्वम्। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं मकर राशि वालों के लिए ये जानने के लिए, बताने के लिए कि आपकी राशि के अनुसार से जून में कैसा ग्रहों का योग योग बन रहा है। देखिए मकर राशि वालों, जून के अंतिम भाग में विशेष तौर पर कई प्रकार के योग बन रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिए आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं, शुभ हैं आपकी राशि के अनुसार से। आमतौर पर शनि से बहुत डरते हैं लोग, लेकिन मकर राशि वालों ये समझो कि शनि आपके लिए तो योग कारक हैं क्योंकि लग्नेश हैं, शुभ बड़े शुभ ग्रह माने जाते हैं आपके लिए। तो लग्नेश हमेशा शुभ ही होते हैं, राशि के स्वामी हमेशा शुभ ही होते हैं आपकी राशि के अनुसार से, और जिनका लग्न कुछ और है राशि कुछ और है उनके लिए उनको समझ लेना चाहिए। लेकिन यदि आपकी लग्न और राशि एक ही है तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए शनि महाराज शुभ करने के योग बना रहे हैं। लेकिन शनि महाराज इन दिनों वक्री होने जा रहे हैं। ये शनि का वक्री होना जो है विशेष तौर पर जो आपके द्वितीय भाव में चलते हुए धन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण योग बन सकता है। ऐसे में शनि का वक्री होने से आपके लिए कुछ आगे बढ़ने के योग बनेंगे, शक्ति पूर्ण शक्ति संपन्न हो जाएंगे। देखिए सीधा ग्रह चलता हुआ भी शक्ति होती है, शुभ ग्रह आपकी राशि के अनुसार से जो चल रहा है, लेकिन जब वक्री होगा तो और ज़्यादा शक्ति होगा। क्या कुछ आपको अपने आप को बैलेंस करना है, कहीं ग्रह ओवर पावर में आने के बाद आपको उसको संभालने के लिए भी शक्ति को ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या चल रहा था, बुध चल रहे थे अस्त, लेकिन बुध भी उदय हो जाएंगे। बुध उदय होने से आपकी राशि के अनुसार से आप बात करें, आपके भाग्य के स्वामी जब उदय हो जाएंगे तो कई प्रकार से आपके लिए लाभ के योग बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुध का उदय होने से आपके बुध शत्रुओं के मालिक भी हैं और इन दिनों शत्रु वाले भाव में चली रहे हैं, वो शत्रुओं का वर्धन भी करेंगे। तो गानी गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है आपको, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। और इस समय में एक समस्या और भी उत्पन्न होने जा रही है, ग्रह वक्री के साथ साथ एक पक्ष में दो तिथियाँ क्षय होने वाली हैं। हमारी ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, भारतीय कैलेंडर के अनुसार से एक महीने 30 दिन को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष जो है उजारे का दिन माने जाते हैं, पूर्णिमा आती है, और कृष्ण पक्ष के अंदर अंधेरी के दिन माने जाते हैं। और इस बार आषाढ़ के महीने का जो पक्ष आरंभ हो रहा है इस जून के अंतिम भाग में, उसमें एक समस्या ये है कि उसमें दो तिथियाँ, 15 दिनों में से दो तिथियाँ क्षय हो रही हैं, प्रतिपदा और चतुर्दशी। ये शुभ योग नहीं है, ये कष्ट के योग दिखाई देते हैं, संसार के लिए अशांति का वातावरण बन सकता है, प्राकृतिक आपदाओं का वातावरण बन सकता है। तो ऐसे में उसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो, वर्षा ऋतु चल रही है और ऐसे में भयावह स्थिति बन सकती है, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आप सब चीज़ लोगों को। तो समझ लीजिए आपके ग्रह क्या कुछ बताते हैं। 21 तारीख की पहले बात करें तो 21 तारीख को शुक्रवार का अवसर चतुर्दशी तिथि है, जो केवल 7:31 तक रहने वाली है। उसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी विशेष तौर पर, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने का योग दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र जो है शाम के समय, दिन तो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, शाम के समय थोड़ा सा खर्चा बढ़ने के योग बन सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स बढ़ सकते हैं, थोड़ा अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करिए, मूड को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि संसार के कारण से मूड थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाए, चीज़ों के लोगों की गति को देखकर मन थोड़ा सा परेशान हो जाए, तो थोड़ा सा बैलेंस करते हुए कार्य करें, भगवान नारायण का स्मरण करें। सत्यव्रत आज ही है तो ऐसे में शाम को पूर्णिमा बहुत सुंदर तरीके से विराजमान होगी, भगवान चंद्रमा का दर्शन कीजिएगा। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जो जाएगा शाम को वो आपके लिए थोड़ा भारी है, तो चंद्र दर्शन करें, भगवान सत्यनारायण का व्रत करें, ओम नमो सत्य भगवान, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहेगा। एक बात का और ध्यान कर लीजिए, इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है और अगले दिन मूल नक्षत्र है, यानी 21 को ज्येष्ठा 22 को मूल नक्षत्र रहेगा। तो ऐसे में जिन बच्चों का जन्म हो रहा है घर परिवार में, उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य करानी चाहिए, नहीं तो बच्चा स्वयं के लिए और पूरे परिवार के लिए भारी रहता है। और ये ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों का जन्म मूल में पहली बार हुआ है खंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत, उनको उन्होंने उनके परिवार वालों ने उनकी मूल शांति नहीं कराई है, तो वो कहीं ना कहीं दोष युक्त रहता है। वैसे आप कभी भी शांत करा सकते हैं, 27 दिन का जप होता है वो अवश्य कराना चाहिए, अन्यथा दिक्कत होती है। 22 तारीख के लिए हम बात करें, शनिवार का अवसर, और इस दिन पूर्णिमा तिथि है, लेकिन साथ साथ आषाढ़ भी आरंभ हो रहा है, और उस दिन पूर्णिमा के साथ साथ जो अगले दिन प्रतिपदा तिथि पड़ने वाली है वो क्षय हो जाएगी, तो क्षय तिथि हो गई।
तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन भारी रहेगा, ना करें तो अच्छा रहेगा। और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ग्रहों का योगायोग जो आपके लिए चल रहा है, शनि महाराज मंगल पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं और शनि अभी वक्री भी होने जा रहे हैं, तो ऐसे में मंगल जो है वो एकाकी भाव कर सकता है, अननेसेसरी के झगड़े करा सकता है आपके। तो शनि को और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है तो वो थोड़ा सा गुस्सा बढ़ती दिखाई दे रही है, तो उनको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे अच्छा रहेगा कि आप शनि स्तोत्र का पाठ करें, पीपल के पेड़ पर जाकर थोड़ा जल चढ़ाएं, थोड़े से तिल के तेल का एक दीपक जला दीजिए। ये बहुत सारे उपाय हैं, इनको करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि जो मंगल पर पड़ रही है वो मंगल को और उग्र करने का प्रयास करें। सबसे अच्छा तो होगा हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो शुभ रहेगा। 23 तारीख की हम बात करें तो रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, क्योंकि प्रतिपदा क्षय हो गई थी और रात्रि में करीब 10:30 बजे के आसपास, 10:45 बजे के आसपास चंद्रमाई परिवर्तन का योग बनाएंगे। ये परिवर्तन आपके लिए जो है वो उससे पहले थोड़ा दिन भारी दिखाई देता है। अननेसेसरी खर्चों से बचेगा, अननेसेसरी जुर्मानों से बचेगा, मूड को थोड़ा ठीक रखने का प्रयास कीजिएगा, छुट्टी खराब मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो मूड को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, अननेसेसरी के झगड़े से बचने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी शारीरिक वीकनेस आपको परेशान कर सकती है, लेकिन झगड़े में विजय होने के योग भी दिखाई देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए थोड़ा, क्योंकि शुक्र अस्त है इन दिनों, तो एक काम करना चाहिए, गौ सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शुक्र अस्त होने के कारण से जो सप्तम षष्ठ भाव में शुक्र योग बना रहा है वो थोड़ा वीक दिखाई देता है, यानी थोड़ा सा झगड़ों में नुकसान होने के योग भी दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं 24 तारीख की, सोमवार का अवसर, तृतीया, उस दिन तिथि है, उदय तिथि है और साथ साथ उस दिन भद्रा का योग भी है जो दोपहर को करीब 2:24 के बाद रहेगा, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए सुबह का दिन अच्छा दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, ग्रह नक्षत्र आपके लिए नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं, नए विचार लाते दिखाई दे रहे हैं और नए विचारों पर कार्य करने से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, तो नई शक्ति के साथ काम करेंगे तो कुछ एनहांसमेंट होने के योग बन सकते हैं। तो अच्छा ये है कि नमः शिवाय का जप करें, थोड़ा दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर लें, उसका उपाय करते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। 25 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और ये मंगलवार के साथ चतुर्थी का शुभ योग बन रहा है, तो मंगल का एक तरह से जन्म दिवस हो गया, अंगारक चतुर्थी कही जाती है। ग्रह नक्षत्रों की गति आपके लिए ओवरऑल तो अच्छी दिखाई देती है और एक बड़ी सुंदर बात ये हो रही है कि बुध उदय होने जा रहे हैं, लेकिन बुध के साथ स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बड़ी दुविधाजनक है। एक तो बुध जो है भाग्य के स्वामी हैं, वहाँ तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बुध छठे भाव के भी स्वामी हैं आपकी राशि के अनुसार से और वहाँ वो स्वयं विराजमान है इस बार, और वहाँ बैठकर वो विचित्र प्रकार का योग ये बना रहे हैं कि आपके आते हुए धन को आप खुद ही अपने विशेष तौर पर फक्कड़ बने के स्वभाव से खराब कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बुद्धि को ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा ये रहेगा कि भगवान गणेश का स्तवन करें, देखिए अंगारक चतुर्थी है तो अच्छा, और हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी पॉजिटिव शक्ति रूप को यूज़ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन दिनों मंगल जो है वो आपको थोड़ा सा बहुत एग्रेसिव बना रहा है। हर काम को आप करना जानते हैं, हम बिल्कुल आपकी शक्ति बहुत है, अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से बड़बोले ज़्यादा हो गए हैं कि मैं ज़्यादा करने शुरू हो गए हैं, वो आपकी कष्ट का कारक है और शनि महाराज उस पर और थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए थोड़ा रिजर्व होते हुए कार्य करने का प्रयास करें, थोड़ा उद्देश्य कम देने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो चीज़ें लोगों कह रहे हैं, जो कमियाँ लोगों की आपको दिखाई दे रही हैं, उनको खुद में भी देखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा सीख ले लेंगे, बजाय कहने के काम को ठीक करने का प्रयास करिए, वो अच्छा रहेगा। 26 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ कुंभ राशि में रात्रि में करीब 1:42 पर चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है, शनि और चंद्रमा की युति हो रही है, ये आपके लिए अच्छी दिखाई देती है और इसके द्वारा आपको बहुत सारे कार्यों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। माता पिता की सेवा करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर समस्त कार्य सुबह से आरंभ करिए, देखिए नई पॉजिटिव एनर्जी आप खुद अपने अंदर अचीव करते हुए दिखाई देंगे, ये उपाय करिए तो अच्छा रहेगा। हरी सब्जियों का दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। यदि हम बात करें 27 तारीख की, 27 तारीख को बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन गुरुवार है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि बृहस्पति महाराज विशेष तौर पर परिवर्तित हो गए, पंचम भाव में चलते हुए चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय भाव में जा रहे हैं, ये बहुत सुंदर है आपके लिए। आपकी बुद्धि में नए विचार, मन के द्वारा आगे बढ़ने के योग ये बहुत सुंदरता से बनते दिखाई देंगे, तो आनंद भाव से आगे बढ़कर काम करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके ग्रहों पर भी पड़ रही है, जो आपके लिए लाभ देने के आपके विशेषतर में हम बात करें तो आपके लग्न पर पड़ रही है बृहस्पति की दृष्टि, और रोहिणी नक्षत्र में चलता हुआ जो ग्रह है वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ योग भाग्य से लाभ देने के योग बना रहा है, तो ऐसे में अच्छा ये रहेगा कि आप विशेषतर पर ब्राह्मणों की सेवा, ज्ञानीजन की सेवा करेंगे और पीली चीज़ों का दान करेंगे, केले का पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
बात कर लेते हैं 28 तारीख की शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन विशेष तौर पर मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश हो रहे हैं और यह आपके लिए राहु के साथ युक्त होकर तृतीय भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र जो बृहस्पति का नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर रहे हैं और ये भी विशेष तौर पर बृहस्पति के साथ युति होकर ये एक विचित्र प्रकार का योग बन सकता है। बृहस्पति और शुक्र आपस में विरोधाभास की स्थिति करते हैं तो यानी आप कार्य करते करते मन में कहीं ना कहीं दुविधा में फंस सकते हैं, तो इस दुविधा को त्यागने के लिए आपको आवश्यकता रहेगी बृहस्पति के ज्ञान की। पीली चीज़ों का दान कीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए और साथ साथ हो सके तो ज्ञानी व्यक्तियों का साथ लेने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ज़रूरी उपाय है, इसको करने का प्रयास कीजिएगा और साथ साथ हो सके तो भगवान शिव की भी उपासना कर लीजिए, शिव की कृपा से आपके रास्ते बन सकते हैं, सही दिशा में उन्होंने शिवाय का जप कीजिए। 29 तारीख की हम बात करें तो शनिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है इस दिन और अष्टमी के साथ साथ दो ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। बुध महाराज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जो करीब करीब दोपहर को 2:02 पर होगा। इसके साथ साथ शनि महाराज वक्री हो जाएंगे जो रात को 12:40 पर होगा। देखिए बुध का आपकी राशि के अनुसार से आपके यदि हम बात करें तो सप्तम भाव में प्रवेश करना ये आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, आपकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कैपेसिटी बढ़ सकती है, लेकिन शनि महाराज का वक्री होना ये विशेष योग है। शनि वक्री होकर आपके धन भाव में बैठ गए, कुटुंब भाव में बैठ गए हैं तो यानी स्थिति ऐसी हो सकती है कि और साथ साथ मंगल की युति आप देखें तो इस वक्त बड़ी विचित्र चल रही है और ऐसे में मंगल आपको कहीं ना कहीं क्लैश में फंसवा सकता है, तो आपको बहुत सावधानी के साथ कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। सबसे श्रेष्ठ यह है हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। बृहस्पति जो मंगल शनि का वक्री होना है यह आपके लिए आपको बहुत बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। ये एक्सीडेंट वाला भी ग्रह माना जाता है शनि महाराज जो है और मृत्यु कारक में योग बड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं चोट लगने के एक्सीडेंट लगने के योग बन सकते हैं, तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपने लिए कुछ अन्नदान करने का प्रयास करें, काली उड़द साबुत उड़द दान करने का प्रयास करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनिवार का दिन है ये उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं हम 30 तारीख का दिन रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, सुबह सुबह मेष में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं 7:37 पर और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बनाएंगे, शुभ रहेगा आपके लिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। लेकिन रविवार का अवसर है तो सूर्य को थोड़ा प्रसन्न करने का प्रयास करें। इन दिनों सूर्य आपके छठे भाव में चल रहे हैं, छठे भाव में चलते हुए सूर्य कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत देने के योग देते हैं, तो सूर्य सूर्य भगवान का ध्यान करें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो गणेश सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपरापूर्ति, क्या व्यक्ति क्या जीव क्या विशेष तौर पर संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और उसी से परिवर्तन का योग बनता है। पराप्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका, जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, सीए बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, तो वही प्रभाव है। यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो या कर्म कर लो, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपत्ति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म जो किया और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके समझने का प्रयास किया और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पे आपको चलकर क्या कुछ कहां हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहां रास्ता स्मूथ है, कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है घटनाएं जो है वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
कि संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप हमारे ऋषि मुनि ने बहुत अनुसंधान कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? ये बात बहुत ज़रूरी थी विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है। आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो यानी आपका धन लाभ हुआ, तो सोचो उस वक्त कितने लोगों के को लाभ होने के योग बनेंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े हैं उन सबका भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा हो। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया, कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन कौन सा उनके अनुसार से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं। मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले, महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना और वो व्यक्ति उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस व्यवसाय उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मार रहा है। आपका भाग्य तो जोर मार रहा है, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और रेल यात्रा में जैसे पंडित जी जब जाते हैं, पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते हैं जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया। पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे विशेष तौर पर पामिस्ट्री के, उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो भाई चांस मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। तीन चार लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ, उन्होंने लगा कुछ अशुभ होने वाला है। वो अगले स्टेशन पर उतर गए। आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति ने, जो पंडित जी थे, उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने, ये ज्योतिष विज्ञान इतना वृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं? देखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें, तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का, हज़ारों प्रकार की विभिन्न, हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं। वो सब की सब अपने आप में चला, चाहे पराशर ऋषि, चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संगीता का अलग प्रकार की ज्योतिष, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं, समझा कीजिए उसे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है, हमारे आश्रम में बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है। विवेकानंद योग आश्रम हमारे पिताचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलनी विज्ञान के ऊपर। और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में तो बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी ऐसी मुद्राओं के सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं। जो आप समझ लीजिए कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास।
कान में दर्द है तो शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधित बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा आँखों की समस्याएं हैं, आँखों में बहुत सारी समस्या रहती हैं तो ये प्राण मुद्रा। ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं का यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नहीं आवश्यकता आपको नग पहनने की, नहीं आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, सर ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग। ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है, और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पे लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है। कीर्ति का योग बनना है, सूर्य कमजोर है व्यक्ति कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य करती है। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योग आश्रम में चलते रहते हैं। हर रोज़ करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है, आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले यज्ञ में सादर तौर पर हम सबको सम्मिलित करते हैं। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है। पिछले करीब करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का, माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए। तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करके, पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए, उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी, आप सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।